भाजपा को पुनः अभूतपूर्व सफलता मिली। उन स्थितियों पर गंभीर विवेचन कर संतोष जी ने एक और पुस्तक लिखी, भारत कैसे हुआ मोदी में, जिसे अपार लोकप्रियता मिली। वे भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित 13 भाषाओं में प्रकाशित हो रही पत्रिका न्यू इंडिया समाचार के सलाहकार संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, अपना लेख के वक्तव्य दें। श्री संतोष कुमार। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने सदैव मुझे एक अभिभावक की तरह स्नेह दिया। पत्रकारिता में प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले आदरणीय राम बहादुर राय जी और पांचजन के संपादक, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे स्नेह दिया है, हितेश शंकर जी, आदरणीय रमेश गौर साहब, प्रभात जी और यहाँ पधारे सभी सुधीर जी। आमतौर पर मैंने पिछली किताब के समय भी आप लोगों से कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं लिख सकता हूँ, लिखने की कला थोड़ी बहुत आती है और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाता रहा हूँ अभी तक। जीवन में कई बार आप जो नहीं सोचते हैं अनायास वो हो जाता है, और जब वो होता है तो विचार भी उमड़ते हैं। जब 2019 की चुनावी जीत पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत कैसे हुआ मोदी में, मुझे नहीं लगा था कि उसके तुरंत बाद, तत्काल बाद मैं दूसरी किताब की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा समय आया कि मैं उस किताब की ओर बढ़ चला। और जितनी तेजी से मैंने ये पुस्तक लिखी थी, उतनी तेजी से मैं आपके सामने ला नहीं पाया, थोड़ी देरी हुई है, क्योंकि कई बार जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन को बीच बीच में परिभाषित करता है, राष्ट्र के जीवन में भी एक ऐसा पल आता है जो वह राष्ट्र खुद को परिभाषित करता है। और मुझे लग रहा है कि 2014 और 2019 का आम चुनाव राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित करने वाला रहा है। अब जब यह पुस्तक आप लोगों के समक्ष है, तो अगर मैं चंद शब्दों में कहना चाहूं कि यह पुस्तक है क्या, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हर शुरुआत का अपना एक इतिहास होता है। यह पुस्तक उसी इतिहास को समेटे हुए है जो भविष्य की राजनीति का संकेत और संदेश देता है। इस पुस्तक की शुरुआत निश्चित तौर से, अगर मैं इस पुस्तक का जो नाम है वो संघ और सरकार, वाजपेयी शासनकाल से मोदी शासनकाल तक की जो एक भाजपा और संघ के बीच के जो रिश्ते हैं उसकी एक इनसाइड स्टोरी है। अगर आप इसे रिपोर्टर डायरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने जिया है, मेरी आदत है, मैं जो जीता हूँ मैं वही लिखता हूँ, मैं जो नहीं जीता हूँ मैं उसे लिख भी नहीं सकता। मुझे ऐसा करने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि मुझे एक संदेह रहता है कि यह सत्य है या नहीं है। लेकिन जब मैं काम करता हूँ फील्ड में, तो मेरी अपनी एक कार्यशैली है, उस कार्यशैली के आधार पर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भी रहता है। मैंने प्रकाश जी को जब ये कॉपी दी थी, ये डमी बुक जब मैंने उनको दी थी कि सर आप इस पुस्तक को एक बार देखें, तो सर ने मुझे एक बार फोन किया था, तो मुझे लगता है कि सर खुद बात करेंगे उस बारे में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी किताब मैंने पढ़ ली, तुम उम्र में बहुत बड़े भी नहीं हो, तुमने अभी जो और जितनी घटनाक्रम तुमने लिखे हैं मैं उसका साक्षी हूँ, मेरे सामने वो विजुअल्स चले, जब तुम्हारी किताब को मैं पढ़ रहा था तो वो विजुअल्स मेरे सामने चले। तो मुझे सब मैं तुम्हारी किताब की जो प्रस्तावना है वो लिखने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे अपनी कार्यशैली बताओ कि तुम्हें डेट, टाइम, एग्जैक्ट सारी चीज़ें याद कैसे हैं। मैंने उनको अपनी कार्यशैली बताई थी, लेकिन वो बात सर खुद करेंगे अपने संबोधन में। लेकिन इस पुस्तक के बारे में कहूँ तो बिल्कुल दो तीन चीज़ें हैं कि एक संघर्षशील विपक्ष से सत्ता तक का जो अनुभव था, 1996 में 13 दिन की सरकार बनी, 1998 में फिर जब
प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने तो वो 6 साल वो सरकार चली, तो वो पहला एक अनुभव था, अपनी वैचारिक सरकार होने का एक पहला अनुभव था। उस समय कई ऐसे मुद्दे आए जब ऐसा लगा कि आपस में एक बहुत टकराव है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि आज भी ये सब जगह मौजूद है कि चाहे वो ठेंगड़ी जी का धरने पर बैठना हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, उस समय लगा कि एक विपक्ष की भूमिका में भी विचार परिवारी है। बहुत सारे ऐसे पल आए, ऐसा नहीं कि उस वक्त समन्वय नहीं था, समन्वय उस वक्त भी था, लेकिन चूंकि अपनी सरकार का एक पहला दौर था, एक कह सकते हैं कि अनुभव हो रहा था, तो उस समय टकराव हुए। उस टकराव के बाद के दौर को अगर हम याद करें, एक असमंजस का माहौल बना। 2004 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता से बाहर हुई, तो 2004 से 13 तक का जो दौर था, अगर आप लोग भाजपा और संघ, जिन लोगों ने भी देखा है, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, जो जिन्होंने समाचार पत्रों को पढ़ा होगा उन्होंने भी देखा होगा, एक बहुत टकराव देखने को मिला, बहुत टकराव देखने को मिला। हर जगह कुछ खबरें ऐसी आती रहती थी, हम जो खबर रवीस लोग हैं, हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग भी ढूंढते रहते थे कहाँ कुछ मसाला मिल जाए।